सेकंड स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। सफलता के 7 आध्यात्मिक नियम जो है उसमें का यह दूसरा नियम है और यह है लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। यदि आपको आपके लाइफ में संपन्नता और विपुलता चाहिए, सफलता चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको चाहिए कोई भी चीज़, तो आपको यह लॉ अपनाना पड़ेगा। हमारे लाइफ को जो समझो सर्कुलेट करना है एनर्जी को, तो वो सर्कुलेट एनर्जी करने के लिए ये लॉ का इस्तेमाल हम करते हैं, तो डेफिनेटली एनर्जी जो है वो लाइफ में सर्कुलेट होंगी और बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। जितना आप ज़्यादा देते हो उतना ही आप ज़्यादा पाते हो, मगर देने के समय आपने यह दिमाग में नहीं रखना है कि मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या पाऊंगा। जब देते हैं तो देने के लिए देना है, पाने के लिए नहीं देने का है। जब आप देते हो तो नेचुरली आपके पास में आता है और वो सर्कुलेट होते रहता है यूनिवर्स में। जब आप देते हो तो आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं जब दे रहा हूँ कुछ भी तो मैं हैप्पीनेस, आनंद, सुख, समाधान दे रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। और वो हमारे दिमाग में ये होगा कि मैं हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा हूँ, हैप्पीनेस दे रहा हूँ, तो वो यदि होता है तो ये लॉ काम करेगा। लॉ ऑफ गिविंग जो है बहुत सिंपल है। आपको यदि जॉय चाहिए, खुशी चाहिए, तो खुशी दो। आपको यदि प्यार चाहिए तो प्यार दो। आपको यदि एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो लोगों को एजुकेशन देना चालू करो। आपको यदि अप्रिसिएशन चाहिए, लोगों ने आपको बड़ा अच्छा बोलना चाहिए, लोगों ने वाह वाह करना चाहिए, तो आप लोगों की वाह वाह करना चालू करो। यदि आप ऐसा चाहते कि लोगों ने मेरे तरफ अटेंशन देना चाहिए, मुझको अटेंशन देना चाहिए, तो आप लोगों को अटेंशन देना चालू करो। यदि आप यूनिवर्स की कोई भी चीज़ चाहते हो, समझो पैसा चाहते हो, तो आप लोगों को पैसा देना चालू करो। आप मौल्यवान बनना चाहते हो तो लोगों को मौल्यवान बनाओ। आप यदि ऐसा चाहते हो कि मुझे विपुलता मिलना चाहिए, मुझे अमीरी आनी चाहिए, तो लोगों को अमीर कैसा बनाना है और वो बनाना चालू करो। बहुत ही आसान सा नियम है कि यदि आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा जब आप लोगों को जो चाहिए वो लोगों को देंगे। तो जिंदगी में आपको जो जो चाहिए वो आपको मिलेगा जब आप लोगों को जो चाहिए वो लोगों को देते जाओगे। बहुत सिंपल नियम है। आप लोगों को देते हो, समझो कुछ भी नहीं दे सकते तो लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान के पास में। आप जिसको भी मानते हैं उसके पास में प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई इसका भला हो। लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं, लोगों को प्यार दे सकते हैं, लोगों के लिए पावर मिलना चाहिए करके भगवान से प्रार्थना करके भगवान को शरण जा सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी अलग है उसके बॉडी से, मगर मेरा जो सेल्फ है वो सेल्फ और उसका सेल्फ एक ही है। हम एक ही है, डिफरेंस नहीं, सिर्फ बॉडी का डिफरेंस है। तो आप जो भी बोलते हैं, प्रार्थना भी करेंगे तो वो प्रार्थना उसके तरफ पहुंच जाएंगी और उसको जो चाहिए वो मिलेगा। यदि आप दिमाग में रखते हो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, ताकि उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फिर लॉ ऑफ गिविंग का क्या है? इसको यदि लाना है अपनाने में, अपने लाइफ में लाना है, अपनाना है उसको, तो आपने ये दिमाग में रखना है कि आप किसी को कभी भी मिलते हो तो आपने उसको कुछ ना कुछ देना है। किसी भी कांटेक्ट में आप आते हो तो कुछ ना कुछ आपने उसको देना है। तो फिर आप क्या दे सकते हो? ऐसे नहीं कि आपने उसको पैसे ही देना चाहिए। आप उसको एक छोटा सा फूल दे सकते हैं, आप उसको कुछ प्रेजेंट दे सकते हैं, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, उसको प्यार दे सकते हैं, आप लोगों को टाइम दे सकते हैं, आप लोगों को केयर दे सकते हैं, लोगों की केयर कर सकते हैं। आप कुछ भी लोगों के लिए कर सकते हो, लोगों को दे सकते हो। लोगों की फिक्र करना, लोगों के तरफ ध्यान देना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों को अप्रिशिएट करना, लोगों को प्यार करना, ये बहुत बड़ी गिफ्ट होती है। और ये गिफ्ट हम लोगों को दे सकते हैं जब चाहे तब, क्योंकि हमारे पास में वो बहुत बड़े पैमाने में है। आप कभी किसी को मिलते हो तो आप अंदर के अंदर दिमाग में ही साइलेंटली आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो,
उसके खुशी के लिए, उसके आनंद के लिए, उसके समाधान के लिए, उसके चेहरे पे खुशी आने के लिए, स्माइल आने के लिए आप अपने दिमाग में प्रार्थना कर सकते हो, अपने दिमाग में आप सोच सकते हो साइलेंटली, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा ऐसा। और ये बहुत जो साइलेंटली देना होता है ना, बहुत पावरफुल होता है। मुझे बचपन में मुझे सिखाया कि आप कभी भी किसी को भी मिलते हो या किसी के घर में जाते हो तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाओ, कुछ भी दे दो, जो भी आपकी ताकत है वो ताकत के हिसाब से उसने उसको आपने गिफ्ट देने की है। आप बोलेंगे जब मेरे पास में नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगा, तो ठीक है आपके पास में नहीं है, मगर आपके पास में एक फूल हो सकता है, आपके पास में उसके लिए एक प्रेयर हो सकती है, प्रार्थना हो सकती है कि उसका भला हो, तो वो भी आप दे सकते हैं, जो भी, मगर आपको देना है, इतना ख्याल में रखो। तो ये आप आज डिसीजन कर लो कि आप जहाँ भी जाओगे, जिसके भी पास जाओगे, जिसको भी मिलोगे, उसको आपको कुछ ना कुछ देना है। हो सकता है कि उसको प्रार्थना देंगे उसके लिए, और जितना ज़्यादा आप देंगे उतना ज़्यादा आपको मिलता जाएगा। भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में यही कहा है कि कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, वैसा लोगों को देते रहो, उसकी चिंता मत करो कि अपने को क्या मिलने वाला है। हमारा मूल जो नेचर है, जो हमने पहले लॉ में देखा हुआ है दीपक चोपड़ा जी के, कि प्योर पोटेंशियल और इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, अनंत अनंत संभावनाएं, अगणित संभावनाओं से हमारा जो पोटेंशियल है, हमारा जो संभावना जो है, हमारा जो सेल्फ है वो भरा हुआ है। हमारे पास में सब बहुत चीज़ें विपुलता में है, अबंडेंस में है, और हम लोगों को दे सकते हैं, तो वो हमने देना है। यदि आप देना चालू करेंगे आज से, देखो इसका फल डेफिनेटली आपको मिलेगा, और आप एक सफलता की ओर जाओगे, आपके पास में संपन्नता, विपुलता, ऐश्वर्य आते जाएगा। सो होमवर्क क्या है फिर आज का, आज जो मैं बता रहा हूँ उसका होमवर्क आपने करना है, वो ये है कि मैं जिसके भी घर में जाऊँगा, जिसको भी मिलूँगा, जिसके भी पास जाऊँगा, मैं उनको कुछ ना कुछ एक गिफ्ट दूंगा, कुछ ना कुछ दूंगा। हो सकता है कि उनको कॉम्प्लीमेंट दूंगा, उनको एक्नॉलेज करूंगा, उनको एक सादा फूल दूंगा, उनके लिए प्रार्थना करूंगा, उनको अप्रिशिएशन दूंगा, है ना, कुछ भी मैं उनको दूंगा, और जिससे उनके जीवन में जो आएगा मजा आएगा, खुशी आएंगी। दूसरा, जो नेचर से मुझे आज मिलने वाला है उसके लिए मैं तैयार रहूँगा। मुझे नेचर से बहुत कुछ मिल सकता है, मुझे नेचर से गिफ्ट मिलती है, बहुत सारे गिफ्ट्स मुझे नेचर से मिलेगी, तो मैं उसके लिए रिसीविंग मोड में रहूँगा। क्या होता है कि हम मौका हमारे पास में आते हैं, मौके आते रहते हैं, वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, हम सोए रहते हैं और हम लेते ही नहीं हो मौके को हाथ में। तो मैं रिसीविंग मोड में रहूँगा, संभावना आती रहेंगी और मैं रिसीविंग मोड से ही वो संभावनाओं को लेता रहूँगा। मैं नेचर की जो गिफ्ट है वो लेते जाऊँगा। नेचर की कौन सी गिफ्ट है? सनलाइट है, वो लूँगा। अच्छा फ्रेश एयर है, वो लूँगा। दूसरा, मैं नेचर से जो मिल रहा है वो लूँगा। नेचर मुझे हर हर क्षण में कुछ ना कुछ गिफ्ट देते जा रहा है, मैं रिसीविंग मोड में रहूँगा। क्या होता है कि हम रिसीविंग मोड में जो रहते हैं कि नहीं मुझे आने वाला है, ये यूनिवर्स से, नेचर से मुझे मिलने वाला है, तो मैं तैयार रहूँगा तो आते जाएंगे, क्योंकि हम उसके लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। नेचर से हमको गिफ्ट मिलता है, नेचर से हमको सनलाइट मिलता है, नेचर से हमको हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, बर्ड्स जो है पंछी वो गाना गाते हैं, उनकी आवाज़ सुमधुर वो मुझे मिलती रहती है, है ना, फूल खिलते रहते हैं, उनकी सुगंध मुझे आती रहती है। मैं जो भी नेचर से है वो जो मेरे पास में आ रहा है उसको लेते जाऊंगा और मैं रिसीविंग मोड में रहूंगा, जो भी आ रहा है, फिर मौका आ सकता है और कुछ भी आ सकता है, उसको मैं लूंगा। मेरे पास में पैसा भी आता है उसके लिए मैं तैयार रहूंगा, कोई गिफ्ट देता है उसके लिए मैं तैयार रहूंगा, कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो मैं स्वीकार करूंगा। यानी बहुत लोग ऐसे रहते कि आपको बोला ना कि बहुत अच्छे दिखे, नहीं 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 इतना नहीं हमारा अच्छा कुछ, आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे दो। तीसरा जो है कि भाई जिंदगी में मैं हरदम प्रेशियस गिफ्ट जो है ना, वो मतलब जैसे विपुलता जो है, जो अबंडेंस में है, संपन्नता है, उसको सर्कुलेट करता जाऊंगा। अब क्या है विपुलता में? मैं लोगों को गिफ्ट देते जाऊंगा जो विपुल है। क्या है मेरे पास में? केयरिंग है, लोगों की फिक्र करना है, अफेक्शन है, प्यार है, अप्रिसिएशन है।
ऐसा सब जो मेरे पास में है वो लोगों को देता जाऊंगा। मैं लोगों को कॉम्प्लीमेंट दूंगा, लोगों को अप्रिसिएशन करूंगा, लोगों को रिस्पेक्ट दूंगा। यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली लोगों के जीवन में हैप्पीनेस, जॉय, खुशियाँ और हंसी लाएंगे, जिससे आपके जीवन में भी बहुत कुछ हंसी आएंगी, आपके जीवन में बहुत कुछ हैप्पीनेस मिलेगा। तो यह सेकंड लॉ, स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा, ये आप डेफिनेटली यदि करते हैं, अपनाते हैं, तो जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और आप एक सफल इंसान होंगे। थैंक यू वेरी मच।